मैं उसका जवाब दूंगी, लेकिन पहले मैं इनकी कुछ त्रुटियां, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देती, आप उनसे भी जवाब नहीं ले पा रहे, मुझसे भी नहीं, मैंने तो ले लिया, लेवल्ड है सुप्रिया जी, मैंने ले लिया उनसे सवाल, पहले मैं अपनी बात कहूंगी उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगी। इतनी दे दीजिएगा, इतना जरूर दीजिएगा, शो में भी होना चाहिए। इन्होंने कहा छोटा देश बड़ा देश, आपके विदेश मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड, जयशंकर जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है हम चीन से कैसे लड़ सकते हैं, वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है। ये आपके विदेश मंत्री का कथन, या तो इसका खंडन करिए या उनको बर्खास्त करिए, क्योंकि चीन के आगे हमारी आर्मी आंख में आंख डाल के खड़ी है और आपके विदेश मंत्री ये कहकर उनका हौसला तोड़ते हैं। आपके प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, बिना पलक झपकाए कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। परसों 19th कोर कमांडर लेवल की बातें खत्म हुई और कोई परिणाम उसका नहीं निकला। 3.5 साल बाद भी गलवान की शहादत के हम स्टेटस को, यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की नहीं बना पाए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस देश से झूठ बोला था और कोर कमांडर की मीटिंग में चीन ये बात लगातार कहता है कि आपके प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है, जबकि असलियत यह कि अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स को आपने बफर जोन बना लिया। आप कहते कहते बड़ी सारी बातें कह गए। इस हफ्ते, इनफैक्ट लास्ट हफ्ते जब पार्लियामेंट चल रहा था, सीएजी नाम की संस्था का आपने नाम सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सरकार के सारे खर्चे की निगरानी करती है, नियंत्रण करती है, उसका ऑडिट करती है, उस संस्था ने एक नहीं, दो नहीं, 7 घोटालों का पर्दाफाश किया है मोदी सरकार में। ये कहते हैं रिपोर्ट ही गलत है। रिपोर्ट हमारे घर में थोड़ी लिखी गई है, रिपोर्ट भारत के सदन के पटल पे रखी गई है, करिए वहां पर डिस्प्यूट। घोटाला है भारतमाला प्रोजेक्ट में, द्वारका का एक्सप्रेसवे, ये सुनिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, द्वारका का एक्सप्रेसवे बन रहा था 18 करोड़ प्रति किलोमीटर पे बनना था, बना कितने पे आपको पता है? 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पे। एक मिनट, आप बातें बता रही हैं, वो 2 किलोमीटर में मंगलयान पहुंच गया, उतने में हमने 2 किलोमीटर, एक मिनट रुक जाइए, कुछ आ चुका है, सबको पता है, अरे उन लोगों को भी पता कर देते हैं, देश की जनता जागरूक है, देश की जनता जागरूक है, और आप मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मुझे दिक्कत इतनी है कि आप मेरे सवाल 3 बार मैंने पूछा, आप मेरे सवाल पे नहीं आ रही, हम दो ही लोग हैं सवाल पर, आ तो जाइए भाई। जिस सीएजी का नाम सुन के 2014 के पहले मिर्गी के दौरे आने लगते थे टेलीविजन एंकर्स को, पेपर फेंक फेंक के शोज होते थे, आज उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है, ले लूं। सुई पटक सन्नाटा है, बताइए तो सही कि जितने में मंगलयान पहुंच गया उतने में 2 किलोमीटर सड़क आपने बनाई, आपका जवाब ले लेंगे, टिकट लगाइए उस सड़क पर, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब, जवाब ले लूंगा। आपने मुझसे मेरे गठबंधन के बारे में पूछा और वो सवाल जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक थान के कटे लोग नहीं है, हमारे आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारा एक विजन है, और वो विजन क्या है कि हम सब इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, और उसी से एक प्रश्न निकलता है। हमारा मानना है कि संविधान हर हाल में सर्वोपरि है। प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चीफ हैं विवेक देबरॉय, उन्होंने एक लेख लिखा 15 अगस्त को और कहा 77वें स्वाधीनता दिवस पर कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए। ये कहां से बात आ रही है? मोदी जी के बहुत निकट माने जाते हैं, उनके आर्थिक सलाहकारों की सूची में सबसे आगे हैं, अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। क्या यह सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो खंडन करे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक साथ खड़े हैं संविधान के लिए। हमारे आपसी मतभेद जरूर होंगे, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई पार्टी बड़ी है वहां पर हम बैक सीट लेंगे, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हम बड़े हैं दूसरी पार्टी बैक सीट लेगी। मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रही हूं। आम आदमी पार्टी से आपकी बातचीत हो पाएगी? आप ही के नेता बहुत खुल करके उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, संदीप दीक्षित बोल रहे हैं, दिल्ली के नेता बहुत खुल के बोल रहे हैं, आपकी पंजाब यूनिट बहुत नाराज है आम आदमी पार्टी से, यही स्थिति आपको बंगाल में भी देखने को मिल रही है जहां सीपीएम और ममता बनर्जी, कुछ ऐसी ही स्थिति और इससे ज्यादा जूतम बाजार तो एनडीए में चल रहा है, चाचा भतीजे में चिराग पासवान को ले आए, चाचा जी नाराज है, कह रहे हैं किसी की औकात है मुझे हाजीपुर से ना लड़ने दे, विरोधाभासों से भरे हुए हैं, एक गुट को रखा है उसके दूसरे घटक दल को ले आए। मेरा अपना मानना है कि अगर आपका विजन, बड़ा विजन क्या है उस पर आप राजनीति करना चाहते हैं, तो अब मैं आपसे यही अगला सवाल पूछ रहा हूं कि इंडिया के 5 बड़े मुद्दे बताइए, देश देख रहा है आपको, जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे, 5 बड़े मुद्दे। संविधान, हर हाल में संविधान को सुरक्षित रखना, उसको सर्वोपरि रखना, हर हाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिनको इन्होंने भाजपा का फ्रंटल बना दिया है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनको सर्वोपरि इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रखना, महंगाई पर बात करना। आप मुनाफाखोरी नहीं कर सकते हैं अगर देश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं, आपको पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस के दाम घटाने चाहिए, आप नहीं घटा रहे। बेरोजगारी इस देश का चौथा मुद्दा,
मैंने लोकतांत्रिक बात करी, संविधान की बात करी, महंगाई करी, बेरोजगारी की बात करी। चौथा मुद्दा, इस देश में रोजगार इशू नंबर 1 to 10 है। अगर हम अपने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं बना रहे, 2 करोड़ का वादा किया था, 70,000 पर्चियां बांट रहे हैं, यह असलियत है। और पांचवा बड़ा मुद्दा है, जिस नफरत के बाजार को ये पनपा रहे हैं, जिन बिट्टू बजरंगियों और मानू मोनू मानेसर को ये पनपा कर नफरत की आंधी चला रहे हैं, उसको थाम देना और मोहब्बत की दुकानें। चलिए, अब सुधांशु जी, 5 बड़े मुद्दे एनडीए के जिस पर आप आगे जाएंगे। बातों को जवाब ना दूं, जवाब देते हुए भी 5 मुद्दे, 5 मुद्दे भी बता देते हैं, क्योंकि उतना लंबा संभाषण हुआ है तो जवाब भी देना। देखिए, इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट कही तो मैं एक टेक्निकल बात आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत साफ बात है, सीएजी में जो भारतमाला प्रोजेक्ट में किसी भी रोड के कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो उसका कोई स्पेसिफिक नहीं, जेनरिक कॉस्ट होती। मैं उदाहरण से बताना चाहता हूँ, ये बताइए, समुंदर के किनारे खाली सड़क पे रोड की कॉस्ट वही आएगी और दिल्ली में एक्विजिशन करने के बाद रोड की कॉस्ट वही आएगी, और वो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पे जिसमें 4 फ्लोर एलिवेटेड जाएगी, कॉस्ट वही आएगी। यानी ये तो कहने की बात हो गई कि भाई पर स्क्वायर फुट कॉस्ट इतनी होती, 1 मंजिल के मकान की भी उतनी होगी और 4 मंजिल के मकान की भी उतनी होगी, ऐसा तो नहीं होता ना। इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये लोग एक चेरी पिकिंग करके और हल्ला मचाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई साथ, उसी पर कह रहा हूं, कहीं सीएजी ने घोटाला स्कैम वर्ड लिखा हो तो यही बहुत बड़ी समस्या है, यही वो पॉइंट है जिस पे फंस जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला चौकीदार चोर है, फिर माफी मांगनी पड़ी। सीएजी ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा, उन्होंने कॉस्ट के मैं स्कैम वर्ड लिखा है क्या, घोटाला वर्ड लिखा है क्या, नहीं लिखा है। कॉस्ट एस्टीमेट में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। और सीएजी की रिपोर्ट कहां आती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, लोक लेखा समिति में सीएजी की रिपोर्ट आती है, उसके बाद संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जाता है। यह मुझे इसलिए पता है कि मैं खुद पीएससी का मेंबर हूं। सीएजी का पीएससी का चेयरमैन कौन है, अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष। तो अगर यह था तो इनको तलब करना चाहिए सीएजी को तुरंत कि साहब ये रिपोर्ट आई है, सीएजी को तलब करिए। सदन में जाते जाते पटल में आई है तो कहां, अरे भाई पीएससी की मीटिंग सदन के दौरान नहीं होती है, पीएससी का चेयरमैन कभी भी बुला सकता है। चलिए बोलिए, तो खैर, तो अब स्थिति ये है, और हमने तो सीएजी पे कोई टिप्पणी नहीं की। युवा पीढ़ी को नहीं याद होगा पर पुराने लोगों को याद होगा, हम लोग तो बच्चे थे जब बोफोर्स के मामले पे खरीद को लेकर तत्कालीन सीएजी ने पॉइंट आउट किया था तो कांग्रेस जानते क्या बयान दिया था कि इनके पैंट के नीचे हाफ पैंट है, हाफ पैंट मतलब आरएसएस वाले, मतलब अपना तो सीएजी के बारे में ये कहे थे जबकि क्लियर कट। और बाद में वो बात सीएजी ने भी किस आधार पे कही थी, इनके फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक जांच रिपोर्ट के आधार के ऊपर बात कही थी, यानी तथ्यात्मक बात। तो यहां ये हल्ला मचाते हैं। अब दूसरी बात पे आता हूं, जो आपने राजनीतिक सवाल पूछा, भाई इन्होंने कहा एक गुलदस्ता है एनडीए, मगर इस गुलदस्ते में फूल कम कांटे ज्यादा हैं। इनके लिए वो लाइन लागू होती है कि मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से हमने गुजर जिंदगी कर ली। और यहां एक व्यक्ति के बयान की बात नहीं है, आप खुद देखिए, आम आदमी पार्टी के तो इनकी नेता ने बयान दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी ने कैसा भयानक बयान दिया। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड़ क्या बोल रहे हैं, अरे एक बार कह दिया पवार साहब ने, 83 साल का व्यक्ति क्या इनको बार 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 जाके बोलेगा, इनको जो समझना हो समझ लें। सामना क्या लिख रहा है आपके बारे में, पंजाब में आपके नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी खिलाफ हम लड़ेंगे, और अधीर रंजन चौधरी जी छोटे नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा है, वो बंगाल में कह रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है, वो कोर्ट जा रहे हैं और कह रहे हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल, और बेंगलोर में आप कहते हैं नहीं नहीं ममता बनर्जी ही साथ में चाहिए, किसके लिए, संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए। तो मुझे लगता है इतने काटे और इतने जहर तो एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं रहे होंगे जितना कि ये बात करते हैं। और मैं एक और बात कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने संविधान खत्म कर दिया, ये कर दिया, बताइए ये राहुल गांधी की सजा सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गई तो लोकतंत्र खत्म हो गया इसलिए खत्म हो गई है या लोकतंत्र जीवित है इसलिए खत्म हो गई है? अगर आप कर्नाटक जीते हैं और शानदार जीते, जबरदस्त जीते, इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है इसलिए जीते या लोकतंत्र खत्म हो गया इसलिए जीते? इसलिए पवन खेड़ा को तुरंत रिलीफ मिली कोर्ट से, किस लिए मिली, थोड़ा उनको इसलिए करिए, आप तो मंत्रमुग्ध हो गए। नहीं, इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप इनको कम से कम 4 बार बोले कोर्ट से तो माफी मांग चुके हैं, अब एक बार जाके माफी मांगनी चाहिए कि अब देश के बाहर जाके मैं राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पे देश के लोकतंत्र को कलंकित नहीं करूंगा कि ये खत्म हो। 5 मुद्दे बता दीजिए जिस पर अब, हाँ हमारे मुद्दे बहुत साफ है। नंबर 1, जन कल्याण,
यानी हर गरीब व्यक्ति को स्वतंत्रता की किरण का उजाला मिलना चाहिए, जो हम एक जमाने में कहा कहते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का, ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। नंबर दो, विकास। विकास उस रफ्तार से होना चाहिए कि आज जैसे हम पांचवीं बड़ी आर्थिक शक्ति बने, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा तीसरे टेनोर में तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे कि दुनिया देखे विकास कैसा होता है। और तीसरा क्या होना चाहिए, मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा, न बाहर से न कोई अंदर से। जैसे पहले आप याद करिए, चंडीगढ़ से चेन्नई तक और सूरत से लेकर गुवाहाटी तक धमाके ही धमाके होते थे, चलती ट्रेन में, बस में, जहां तहां लिखा रहता था, वो नहीं होना चाहिए। और अगला होना चाहिए राष्ट्रीय स्वाभिमान, आत्मगौरव। फिर उठता हुआ भव्य राम मंदिर देखिए, महाकाल का कॉरिडोर देखिए, केदारनाथ का उभरता हुआ मंदिर देखिए, भगवान बुद्ध की भूमि पर उठता हुआ देखिए, और उसके साथ भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा, ये पांचों चीजें के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मैं आपके पास आ रहा हूं सुप्रिया जी, हालांकि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, विपक्ष के लोग आजकल मीडिया पर ज्यादा टारगेट करते हैं, सरकार पर कम करते हैं, लेकिन फिर भी उस पांचवें जो आपने मुद्दे बताए थे उसमें मैं आपके नेताओं की एक बाइट सुनवा देता हूं, फिर आपसे सवाल करूंगा। एक बार आशीष उस सवाल को सुनवा दीजिए। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही, 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता, ये तो आंकड़े बताते हैं। सरकार आई तो बैन करेंगे क्या बजरंग दल को? देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। वैसे एक लाइन बोल दो, एक लाइन, अभी कमलनाथ जी का आप स्टेटमेंट दिखा रहे थे तो सुप्रिया जी के मुंह से निकल गया किसी भी बात पर ताली नहीं बजानी है, मतलब अपने पूर्व मुख्यमंत्री का बयान कितना नागवार गुजर रहा था अगर उन्होंने यह कह दिया 82% हिंदू है। सुप्रिया जी, लेकिन मैं सवाल आपसे जो पूछ रहा हूँ, आपने जो अपना पांचवा मुद्दा बताया वो बिट्टू बजरंगी बताया था, आपने कहा नफरत की दुकान इन्होंने फैला रखी है, बिट्टू बजरंगी यहाँ नफरती है, और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बजरंग दल को बैन नहीं करेंगे, वो बजरंग दल जिसको लेकर के कर्नाटक में आपने कहा था बैन किया जाएगा, जिसको लेकर के आप चुनाव जीते भी, एक बड़ा मुद्दा भी रहा है, मध्य प्रदेश में आकर के आप अचानक कैसे हिंदूवादी आपके नेता हिंदू राष्ट्र की बात करने लगते हैं? मैं इसका जवाब दूंगी, इन्होंने पांच मुद्दे गिनाए थे, पहले उस पर बोलूंगी। आप मेरे सवाल को पीछे कर देती हैं, नहीं, उनकी बात, आप हमेशा मेरे मुद्दों को, मेरी बात का जवाब देने दिया तो मुझे मैं दूंगा ना बिल्कुल, पर आप मेरे सवाल को, इसका मतलब पीछे, बाद में बताएं, इसका मतलब सुप्रिया जी आप मेरे सवाल को पीछे रखती हैं और इनको आगे रखती हैं, बोल लेने दीजिए उनको, जो आप इनके सवाल पे दे दीजिएगा जवाब, पर पहले मेरा दे दीजिए उसके बाद। जवाब दिया था तो क्या कहा था, मेरी बात का जवाब देंगे फिर आपके सवाल का जवाब, आपने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, फिर आप कहते हैं मीडिया से हम तल्ख, चलिए तीन बार आप दे चुकी है। चलिए, पांच चीजें बोली, विकास उसमें से एक बोला, विकास करेंगे अपने मित्रों का, अडानी का, अंबानी का, विकास उनका होगा, विकास आपका नहीं होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आप किस मुंह से कर रहे हैं? चीन आपके घर में घुसकर बैठा है, चीन की वजह से पेट्रोलिंग पॉइंट्स को बफर जोन बना लिया, स्ट्रेटेजिक पॉइंट से पीछे हो गए, चीन पर बोल दिया कोई घुसा हुआ नहीं है, 20 गलवान में शहादत के बाद आपने चीन का व्यापार $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कर लिया, मणिपुर में हिंसा है, आज हिंसा भड़की और दो लोगों की मौत हुई है, चिंगारी मिजोरम पहुंच गई, दिल्ली से एक फलांग की दूरी पर हरियाणा और वहां पर गुरुग्राम तक में हिंसा हो रही है, दुकानें जलाई जा रही हैं, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, आपने कहा आत्मगौरव, महाकाल कॉरिडोर का नाम ना लीजिएगा प्रभु, एक आंधी आई थी और आपका भ्रष्टाचार ऐसा था कि 16 मूर्तियां उस आंधी में टूटकर ध्वस्त हो गई, ये आपके जैसे फर्जी जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं उसमें भी पैसा बना लिया। आप आत्मगौरव की बात इसलिए मत करिएगा जब प्रधानमंत्री चीन जाते हैं और कहते हैं 2014 से पहले लोग कहते थे अरे कहां पैदा हो गए हिंदुस्तान में, ये आत्मगौरव नहीं है, ये देश का सिर झुकाना होता है, ये आत्मगौरव नहीं होता, तो आत्मगौरव की बात मत कीजिएगा। आपने मुझसे सवाल पूछा इन बयानों पर, दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, जो कोई भी गुंडागर्दी करेगा या कानून को अपने हाथ में लेगा हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। हमारी कर्नाटक की सरकार को अगर लगा कि बजरंग दल के चलते वहां पर औरतों के साथ, महिलाओं के साथ गुंडागर्दी होती है, बदतमीजी होती है, तो उन्होंने कहा हम बैन करेंगे। मध्य प्रदेश की हमारी लोकल यूनिट को लगता है कि बैन करने की जरूरत नहीं है और अगर वो कुछ गुंडागर्दी करेंगे तो वो बिल्कुल एक्शन लेंगे। मैं तो कह रही हूं ना,
हम यहाँ पर ना मोनू मानेसर के प्रवक्ता बन जाते हैं, रुक जाइए, ना बिट्टू बजरंगी के बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। लेकिन इन लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, ये जो नफरती चिंटू को लगता है कि ये खड़े होंगे, बिट्टू बजरंगी को सबसे पहले डिसोन वीएचपी ने कर दिया, नूपुर शर्मा को सबसे पहले डिसोन इन्होंने कर दिया, राजा सिंह इनका सांसद तेलंगाना में था, नफरती बयान दिया था, उसको डिसोन कर दिया। दूध की मक्खी की तरह से नफरती चिंटू निकाल दिए जाएंगे जब इनका काम खत्म हो जाएगा। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बयान से आप सहमत हैं, हाँ या ना में मुझे जवाब दें। मैं तो कह रही हूँ जहाँ पे गुंडा एलिमेंट होगा उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। आई थिंक लोकल लीडरशिप, हम कठपुतली नहीं चलाते हैं, हम गुजरात में दो दो मुख्यमंत्री, उत्तराखंड में तीन तीन मुख्यमंत्री कठपुतली से नहीं बदलते। लोकल लीडरशिप को जो लगता है वो उनको करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि लोकल लीडरशिप सक्षम है, क्योंकि कमलनाथ जी के कार्यकाल में या कांग्रेस की सरकार में एक आदिवासी के ऊपर किसी नेता ने पेशाब नहीं करी थी, एक लड़की को निर्वस्त्र नहीं घुमाया गया था जो इनकी सरकारों में हो रहा है। जवाब ले लूं सुधांशु जी, सवाल ये भी है कि आप आत्मगौरव की बात कर रहे हैं, अब जो आम जनता है वो 200 रुपए किलो जब टमाटर लेके चलती है तो आत्मगौरव होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर कांग्रेस के नेता हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं तो बीजेपी तो अब पसमांदा की तरफ जा रही है। देखिए मैं बिल्कुल ये बात कहता हूँ कि इस समय महंगाई की दर 7.5% और जून के महीने में कितनी थी, 4.5%। बिल्कुल मैं मानता हूँ खाने पीने की चीज़ों की, सब्जियों के दाम इधर बढ़े हैं क्योंकि भयानक बारिश हुई है देश में पिछले 1.5 महीने में भिन्न भिन्न जगहों पे, उससे फसल भी बर्बाद होती है, और ऐसी कोई भी चीज़ जो जल्दी खराब होने वाली हो, जिसमें सब्जियां सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जिनका कि ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ी समस्या आती है, होता है 2-3 महीने में स्थिति फिर ठीक हो जाएगी। अगर महंगाई की दर की बात करनी है, 9 साल की पूरी महंगाई की दर बताएं। पर आपके मुद्दे में महंगाई नहीं थी। नहीं, मैं आप इसलिए बताएं क्यों, 1952 से आज तक जितने चुनाव हुए सिर्फ 2 ही लोकसभा चुनाव हुए जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं था, 2004 और 2019, क्योंकि दोनों में उससे पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी और दोनों में महंगाई की दर विकास की दर से बहुत कम थी। अब यहां पे मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं, दर्शक जाके चेक कर लें, आज तो नेट पे सारा डाटा अवेलेबल है, पिछले 60-70 साल में कितनी महंगाई किसके दौर में रही और कितनी बेरोजगारी किसके दौर में रही। भाई कोई कभी सत्ता में ना आया हो तो कहे कि हम आएंगे बदल देंगे, जो 55-56 साल आपकी पार्टी नहीं आपके खानदान की हुकूमत रही और जिसमें महंगाई 22-23-24% तक रही, 10-10-12-12% तो जब तब रही, और उसके बाद आज आप कहें कि साहब हम आके सब कुछ बदल देंगे, तो देश की जनता को वो कहावत याद आती है कि बाप ना मारिन मेड की बिटवा तीरंदाज, उसके बाद आके बात कहेंगे। अब मैं अपनी बात भी तो कह लूँ, आपने मेरा सवाल तो पूछ लीजिए, पसमांदा की तरफ जाओ जी, उसी पर देखिए आ रहा हूँ। देखिए कितनी मजेदार बात है, कर्नाटक में बजरंग दल पे बैन होना चाहिए, और सबसे बड़े जो हिंदू आतंकवाद के भी प्रणेता माने जाते थे दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश में नहीं बोल रहे बैन होना चाहिए। आप देखिए कमलनाथ जी क्या बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे बोल रहे हैं, 82% हिंदू है तो कहने की क्या जरूरत है, और आके क्या कहते हैं कर्नाटक में क्या कह रहे थे, इनके लिए तो वो लाइन याद आती है, पल भर में ये तोला है और पल भर में ये माशा है, कहते तो तमाशा है और खुद ही तमाशा है। इतना बदलाव अगर आपके अंदर आ रहा है तो ये तो मैं मानता हूं सकारात्मक बदलाव है। अच्छा हम जहां तक बात कर रहे हैं बदलाव में आप भी हमें आ रहे हैं ना? अब हम आपको बात बता रहे हैं, जो आपने पसमंदा की बात कही, आज से कही है क्या, मोदी जी ने जब गरीब को दी जाने वाली योजनाएं सबको दी तो बगैर जाति पंथ मजहब के भेदभाव को मिली, अगर उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, और फिर चाहे जनधन योजना हो, सबको मिला तो 70% सुधांशु, सुनिए मैं पूरी बात कर लीजिए, 70% अल्पसंख्यक समाज के किसी न किसी एक परिवार को, 70% लोगों को एक न योजना का लाभ मिला। वो कौन थे, पसमांदा ही तो थे। अब से पहले तो ये नहीं कहा गया कि पसमांदा मुसलमानों के पास जाइए और राखी बंधवाइए, ये तो अभी सुनने को मिल रहा है ना चुनाव से पहले। अच्छा ये बताइए ये मुस्लिम विचार मंच कब से बना हुआ, तो आप बहुत बताते हैं संघ का मुस्लिम विचार मंच तो 20 साल से काम कर रहा है और आज आपको नजर आ रहा है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, हम आज की बात थोड़ी कह रहे हैं, हम तो अच्छे और राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ आज नहीं खड़े हैं, 2002 में डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया था और ये तब सब खिलाफ खड़े हुए थे, इनसे पूछिए कोई डॉक्टर कलाम के साथ गया था। और आपको बात बता दूं, भारत की आजादी जब मिली तो पहली शहनाई 15 अगस्त 1947 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी और उनको भारत रत्न 2001 में मिला, 50 साल के कांग्रेस के राज में कभी नहीं मिला। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई, सुनिए आज नहीं 2015 में मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया। मैं चुनौती से कहता हूं एक सेक्रेटरी का सूरमा दिखाइए जो वीर अब्दुल हमीद के घर पे गया, वो इनको कौन से अच्छे लगते हैं, इशरत जहां, याकूब मेनन, आप जवाब ले लेता हूं, नायक, ये तो समझ। मैं जवाब ले लेता हूं सुप्रिया जी, सवाल मेरा पहला होगा उसके बाद इनका आप जवाब भी दे दीजिए। सवाल ये कि आप बार बार चीन का जिक्र कर रही हैं,
राहुल गांधी इसी वजह से, राहुल गांधी मैं आता हूं आपके पास, राहुल गांधी इसी वजह से पेंगोंग में, राहुल गांधी इसी वजह से पेंगोंग में है आजकल, ताकि चीन के मुद्दे को और बड़ा बनाया जा सके। मुझे लगता है राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा करी है, 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले हैं इस देश को जोड़े रखने के लिए, अजनबियों को गले लगाया है, लोगों के आंसू पोंछे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण देखने को मिला जब वो उनके साथ बेखौफ होकर चल रही थी, वो मैकेनिक से मिलते हैं, वो ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, वो स्टूडेंट से मिलते हैं। इनके राज में ये रामेश्वर जी हैं, सब्जी बेचते हैं, आप सब ने इनका वीडियो देखा होगा। इनके राज में रामेश्वर जी की भरी आंखें कहती हैं हमारी गुजर नहीं हो रही। राहुल जी उनसे मिलते हैं और उनके दिल में खुशी आती है, क्यों? क्योंकि कोई गरीबों की बात सुनने के लिए नहीं है। मैं एक बात इनसे पूछना चाहती हूँ, आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, आप लोग भी इस पर दिखा रहे थे, मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले। एक अन अकेडमी नाम की संस्था है, वो पढ़ाती है, वहां के एक टीचर हैं, उन्होंने शायद बच्चों से कह दिया कि पढ़े लिखे को वोट देना। पढ़े लिखे को वोट देने की बात करी थी, किसी का नाम तो लिया नहीं था। ये राइट विंग, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया, उनके सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के चेयरमैन, सब मोदी जी को क्यों समझ लेते हैं? ये कौन सा चोर की दाढ़ी में तिनकी वाली सरकार है भैया? काजोल ने बोला हमारे लीडर्स को पढ़ा लिखा होना चाहिए, सारी राइट विंग उसके खिलाफ खड़ी हो गई। हर बार जब कुछ पढ़ाई लिखाई पर बोला जाता है, शिक्षा पर बोला जाता है, अच्छाई पर बोला जाता है, बिना नाम लिए राइट विंग को ये क्यों लगता है कि वो आपके साथ है? और असलियत यह है कि यह देश इन्होंने बना दिया है कि अन अकेडमी ने उस व्यक्ति को, सांगवान जो पढ़ा रहे थे, और कहा, और मुझे लगता है बच्चों को यह बोलना, अगर मैं इन बच्चों को बोलती हूँ बेटा पढ़ो लिखो, कुछ बनो, कुछ काम करो, अपना नाम करो, शिक्षित लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताओ, तो मैं क्या गलत कह रही हूं? उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि राइट विंग ने उसको बुली किया, राइट विंग ने प्रेशर बनाया, ये बना दिया आपने मेरे देश को। ये ट्रेन की बात कर रहे थे, आज की तारीख में अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और अगर एक भक्त से आपकी बहस हो जाती है और आपके विचार अलग हैं, तो एक आदमी खड़ा होता है, अपनी सर्विस बंदूक से आपका नाम पूछकर आपकी हत्या कर देता है। यह हुआ था अभी कि नहीं हुआ था? जयपुर की ट्रेन जो जा रही थी, वहां पर एक व्यक्ति चेतन सिंह सीआरपीएफ का खड़ा हुआ, आरपीएफ का सॉरी, रेलवे पुलिस फोर्स का, उसने नाम पूछा और तीन मुसलमानों की हत्या कर दी क्योंकि वो मुसलमान थे, एक चूड़ी बेचने वाले व्यापारी की, एक पैंट्री कार की, एक किसी और की, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी विचारधारा नहीं मिल सकती, ये गोली लगा के मुझे मार देंगे या मैं इनको, ये क्या बना दिया इन्होंने आपके, हमारे देश को? और आप कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी, ये चंगा है कि चलती ट्रेन में चार लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, ये चंगा है देश में? ये चंगा है कि दो औरतों को नग्न घुमाया जाता है और चीफ मिनिस्टर कहता है ऐसे एक नहीं सैकड़ों हादसे हुए? ये चंगा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट आपने किस बेसिस पर रिहा किए? ये चंगा है कि जम्मू कश्मीर का डीजीपी आपसे चीख चीख कर कह रहा है कि ड्रग्स की समस्या वहां पहुंच गई है? ये चंगा है कि पढ़ने लिखने की बात करने वालों को आप बर्खास्त करा देते? क्या बना दिया आपने इस देश को? और आप बात करते हैं आत्मगौरव की, इस देश को 40 साल पीछे ले जाने का काम आपने किया है, उसके अलावा आपका कोई नो अदर अचीवमेंट है, यह असलियत है। देखिए, इन्होंने कहा बहुत, पिछली बार इनका एक बात का जवाब नहीं दे पाया था, कठपुतली का, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये बताइए आज तक देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? क्वालिफिकेशन के हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह, और कठपुतली कौन बना के रखा था? पढ़े लिखों कितनी इज्जत है सबको पता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरे सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। उनके ज़माने में देश में क्या क्या हुआ, पंजाब गया, कश्मीर गया, और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊँचा भाल गया। अब यह भी बताना चाहता हूं कि पढ़ने लिखने की बात तो हम लोग करते थे, मगर ये पढ़े लिखे वाला नैरेटिव दिया किसने था? आम आदमी पार्टी ने ना। देखिए कैसे बेचारे पुरानी धुरानी पार्टी, नई नवेली पार्टी के चंगुल में आ जाती है, और वो पढ़े लिखे इतने महान हैं। मैं पढ़े लिखों के जवाब देता हूं, इनके दोनों भैया बहन अशिक्षित और बात पर आप लोगों को क्यों, अरे भाई आप बोल रहे थे, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूँ, मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूँ भाई। राहुल गांधी जी ने कोविड को मोविड लिखा, कितने पढ़े लिखे हैं? अरे कोविड को मोविड लिखने वाले पढ़े लिखे हैं। और दूसरा उदाहरण देता हूँ, अप्रैल 2021 में जब कोविड की सेकेंड वेव चरम पे थी, तो पहले आके वो दिल्ली वाले जिनका नाम ये बोल रहे हैं, उन्होंने आके क्या कहा, वैक्सीन की कमी है तो वैक्सीन सारी कंपनियों को फार्मूला क्यों नहीं दिया जाता ताकि जल्दी जल्दी वैक्सीन सबको मिल जाए? अरे वैक्सीन कोई चूरन का फार्मूला है जो सबको दे दिया जाएगा, ये पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। और सुनिए, इनके दोनों भैया बहन ने भी बोला, और उनका भी बयान है कि भारत सरकार ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। इतना झूठ बोलने वाले लोग अप्रैल 2021 तक जाके चेक कर लीजिए, भारत क्या दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था?
इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग, और ये तो वो लोग थे, देखिए गजब के पढ़े लिखे हैं, जानते क्या होता है जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगले प्रधानमंत्री क्यों याद आता है, अरे भाई याद जवाब दे दीजिए, बाकी मैं जवाब दे रहा हूँ, जलेबी मत बनाइए, प्रधानमंत्री जी की क्षमता दोनों जवाब दे रहा हूँ। 15 अगस्त जब 2020 को कहा कि अगले साल शुरू होने तक वैक्सीन आ जाएगी, अचानक इनको पढ़ाई लिखाई याद, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अरे वो तो सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट बन गए, नहीं नहीं इतनी जल्दी बनी नहीं सकती, बनी 8 देशों ने बना के दिखा दी। अब सुनिए, जब जनवरी में वैक्सीन आई, नहीं नहीं उसका सैंपल सर्वे दिखाइए, स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट हो गए, फलाने हो गए, इतने कम समय में इतनी जल्दी कैसे इन्होंने इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लिया, दुनिया के सारे देशों में लगी। और सुनिए, इतना ही नहीं, जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तो ज्योतिष को अंधविश्वास कहने वाले मुहूर्त मर्मज्ञ हो गए, कहने लगे मुहूर्त नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। तो आप पढ़ाई लिखाई को लेकर जो बातें करते हैं और वास्तविकता में आपके मन में जो फीलिंग है, इन दोनों बातों में बहुत बहुत भारी अंतर है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, अशिक्षित बात करता है तो आपको चोट क्यों पहुंचती है मन को, आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं, वो अशिक्षित नेताओं की बात कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल, क्यों परेशान हो जाते हैं, हम लोग कहाँ परेशान होते हैं भाई, राइट विंग परेशान हमारे यहाँ तो सबसे, आप देखिए ना आपके बीजेपी का सोशल मीडिया के लोग, आपके बीजेपी के महाराष्ट्र के लोग लगे पड़े हैं, क्यों लग रहे हैं, मोदी जी का तो नाम ही नहीं लिया जाता है, आप क्यों परेशान भाई। मैंने तो आपको उदाहरण दे दिया, देखिए आप बोल रहे, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, बीच में हमें दिक्कत नहीं, हमने तो कहा देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के साथ आपने क्या गति की, देश के सबसे पढ़े लिखे क्यों आ जाता है, इस बात का जवाब दे दीजिए, वो आप दे सकते हैं। अरे सुनिए, ये कौन सी आप बात कर रही हैं भाई, यही जो मैंने आप तो आपसे बात कही, यही जो आप सुन रहे हैं, सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आपने क्या गति की, आपको मोदी जी का चेहरा क्यों नजर आता है, अरे किसने कहा याद आता है भाई, क्यों आप लोग क्यों आपने बात बताया, अरे सुनिए तो इतना बरगला जाते क्या हो जाता है, किसको लग रहा है, किसी की बात हो, बरगलाए हुए तो आप लोग लग रहे हैं, देखिए बरगलाए हुए तो देखो भैया कहने वाले लोग लग रहे हैं, और आप कह रही है कि कौन दूसरा पर खिला रहा है, बौखला रहा है, अरे भाई मुझे समझ में नहीं आता, आप देखिए काजोल के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं, अरे कौन हम लोग क्या मतलब है भाई, क्यों बोल रहे हैं, किसके खिलाफ बोल रहा है, अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए पढ़े लिखे, पता नहीं क्या, अच्छा बताइए पढ़े लिखे वाला सेंटेंस किसने शुरू किया था, क्यों जाते केजरीवाल जी के साथ है ना भाई, पढ़े लिखे तो आप भी है, पढ़ी लिखी मैं तो ये कह रहा हूँ, अपने बच्चों को भी पढ़ाने की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि बेटा कुछ पढ़ लिख के बन जाओ, तो जब कहते हैं ना अगर नहीं पढ़ोगे तो ठीक नहीं बनेगा, आपको उसमें मोदी जी क्यों नजर आते हैं, किसी का नाम नहीं लिया जाता, मोदी जी का चेहरा आपको क्यों नजर आता है, उस बात का जवाब दे दीजिए, आपके लोग इतने उत्तेजित क्यों हैं, देखिए ना सबके एक के बाद एक के बाद एक ट्वीट है, फेसबुक पोस्ट है, साक्ष्य के साथ बोल रही हूँ, काहे मोदी जी का चेहरा नजर आने लगता है, ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि आपको पता है आपके बारे में बात हो रही है, एक मिनट एक मिनट आपके बारे में, मैं जवाब बीच में डिस्टर्ब किया था तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं जवाब ले रहा हूं, ये कह रही हैं कि हमारे लोग बोलते हैं, पढ़ी लिखी है ना तो पढ़ के बताइए भाजपा का कौन आदमी बोला, भाजपा के सोशल मीडिया के हेड, भाजपा बताइए ना भाजपा के कौन लोग बोल रहे हैं, पढ़े हुए बोले आप, 50 लोग सोशल मीडिया के हेड, 50 लोग है आप ये बोलने लगते हो, और दूसरी बात मैं सोशल मीडिया के हेड टर्म पे बोलिए भाई, मैं और दूसरी बात, अरे भाई सुनिए, ये जिस व्यक्ति जिस नेता के पक्ष में बोल रही है, जो कहने की कोशिश करते हैं केजरीवाल जी, आज इनकी गति और दुर्गति देखिए, उनकी किस शिद्दत के साथ डिफेंस किया जा रहा है, किसके साथ, जिसने इनको गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया, और उसके बाद आज उनके साथ खड़े हुए हैं, इसे कहते हैं कि 100 जूते खाए तमाशा फिर भी देखें। सुधांशु जी, अब मैं सवाल, सुप्रिया जी मेरा सवाल, एक सवाल पूछा उसका जवाब, मेरा सवाल, एक नेता का नाम बता दीजिए, नहीं नहीं कितने नेताओं ने बोला, आशुतोष दुबे आपके बीजेपी के सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के हेड है, उन्होंने क्या लिखा है, सांगवान इज सेइंग दिस 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 इनडायरेक्टली पॉइंटिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया, आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है, क्यों आपके लोग ट्रेंड करा रहे हैं कि शटडाउन, ये क्यों करा रहे हैं, मोदी जी का कोई नाम नहीं लेता है, अगर कहीं पर किसी को नृशंस कहा जाता है आपको दिक्कत होती है, किसी को कहा जाता है, अरे एक आदमी जुमले बोल रहा है आपको लगता है प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है, एक नेता बड़ा झूठा है आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं, बेटा पढ़े लिखे लोगों को राजनीति माना चाहिए, आप प्रधानमंत्री को समझ लेते, सुप्रिया जी, समझ लेते? आप सवाल मेरा आपसे, चोर की दाढ़ी में तिनका है, सुप्रिया जी, सुधांशु जी, एक लाइन क्या, सुनिए एक मिनट इसमें कोई डिफरेंस, एक लाइन बोल दूं आप लोग ऐसा है सोच लेते हैं कि प्रधानमंत्री की बात हो रही है, ऐसा है हमारे यहाँ दाढ़ी परमानेंट है, दाढ़ी हाल में इन लोगों ने बढ़ाई है, इसका मतलब इनको तिनका छुपाने की जरूरत है, ये सब बेवकूफी मत करिए, बेवकूफी की बात आप दोनों मेरी नहीं सुनेंगे तो बड़ा मुश्किल है, बेवकूफी की बात अगर आप दोनों मेरी बात नहीं सुनेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा डिबेट को इस तरीके से बढ़ाना। मेरा सवाल आपसे यह कि आप शिक्षा की बात कर रही हैं, शिक्षा काबिलियत का क्या पैमाना होता है, लोकसभा में आपके विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी,
उनकी क्या शिक्षा है, क्या शिक्षा की योग्यता? मैं तो एक मिनट, आप मेरे बयान उठा कर देख लीजिए। मेरा मानना है कि संविधान में उनके शैक्षणिक, नहीं नहीं एक मिनट, उनके शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैं एक मिनट, मेरा मानना है, मुझे बोलने दीजिए, सवाल पूछ लिया आपने, अब मेरा जवाब सुनिए। मेरा मानना है कि हमारा संविधान एक अंगूठा छाप व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देता है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, एब्सोल्युटली। मेरा अपना मानना है कि इस देश में डेवलपिंग इकोनॉमी है, कोई भी बन सकता है। आप अंगूठा छाप हो, आप छठा पास हो, आप दसवां पास हो, आपकी डिग्री फर्जी हो, नकली हो, अगर प्रूफ नहीं हुआ, आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री। मेरा उद्देश्य दूसरा है ये कहने का कि जब शिक्षा की बात हो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री दसवां पास हो या प्रधानमंत्री ने वाकई में एमए किया हो या उनकी स्नातक की डिग्री फर्जी हो, मुझे वाकई में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा संविधान कहता है कि अंगूठा छाप आदमी भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मुझे दिक्कत किस में है कि अगर कोई शिक्षा की बात करता है तो आप उसको अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? ये कौन सा विक्टिमहुड है? कोई कहता है बड़े झूठे होते हैं राजनेता, आजकल लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं, अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? कोई कहता है जुमलों की बारिश होने वाली है आज, आप अपने ऊपर, मैंने एक दिन लिख दिया जुमलों की बारिश होने वाली है, आप मोदी जी को ऐसा, मैंने तो मोदी जी का नाम ही नहीं लिया था, मैं तो किसी शर्मा जी की बात कर रही थी। हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मेरा मत है इस देश का संविधान सर्वोपरि है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हार्वर्ड एजुकेटेड और अंगूठा छाप व्यक्ति इस संविधान को एक दिखता है, जिस संविधान को ये बदलना चाहते हैं इनके लोग, बदलने पर संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं क्या? वैसे तो संविधान इस देश में एक बार बदला गया था जब 42वां संविधान संशोधन लाया गया था 1976 में, और सारे लोगों के मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। पुलिस आपको पकड़ के ले जा सकती थी, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था। और कैसे बदला गया था? जब इस देश के हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी का चुनाव भ्रष्टाचार और धांधली के कारण निरस्त कर दिया था, 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब संविधान बदला गया था। तो बदले गए नहीं, बदल चुके हैं वाले ये लोग। एक बात कहना चाहता हूं, आपने अधीर रंजन चौधरी जी के बारे में बोल के इनको कितनी इनकी, अरे भाई आपने टर्न पे बोली, आप बीच में मैंने आपके नहीं बोला था, मैं कह रहा हूं अधीर रंजन चौधरी जी को बोल के आपने कैसी दुखती नस दबा दी। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब इस देश में विश्वास मत के ऊपर बहस शुरू हुई और नेता प्रतिपक्ष ने शुरुआत नहीं की, और तो और बोलने वालों की सूची में नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं, अधीर रंजन चौधरी जी का। और आज खड़गे जी का बयान है कि हां सोनिया जी और राहुल जी ने मुझे बनाया है, मुझे नियुक्त किया है अध्यक्ष के रूप में, जिसको आज तक ये कहते थे लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। और दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया, मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं। आगे उनका सेंटेंस है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, प्रणव दा आप सबसे अधिक योग्य हैं मगर मैडम ने मुझे कहा है। अब आप यह समझ लीजिए कि ये कोई भी व्यक्ति पद के ऊपर आ जाए, प्रधानमंत्री हो, अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सबके साथ ये कैसा बर्ताव करते हैं और उसके बाद आके ज्ञान देते हैं। हाँ मगर एक बात मानना पड़ेगा, इनका नेता एक मामले में बहुत पढ़ा लिखा है। ये बताइए, विदेश में जाते हैं राहुल गांधी जी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं और वहां जाके भाषण देते हैं भारत के लोकतंत्र के खिलाफ। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार छोड़ी, हमारी सरकार में कहेंगे कोई नहीं बुला रहा, 10 साल तक इनकी सरकार रही, भारत की किस यूनिवर्सिटी ने बुलाया था कभी राहुल गांधी जी को भाषण देने के लिए? 2004 से 2014 बताइए, किसी ने नहीं बुलाया। ये विदेश में ही जाके क्यों बुलाते हैं? अचानक सारी उनकी विद्वता पढ़ाई लिखाई विदेश में ही, और उन लोगों के साथ ही नजर आते हैं जो भारत विरोधी एजेंडा के हिस्से होते हैं, जरा इसको भी पढ़ने की लिखने की बहुत जरूरत है। लेकिन जो सवाल पूछा था उन्होंने विवेक डोबराय, जो उन्होंने कहा संविधान बदलने के बाद, सही कहा या गलत कहा? मैं पूछ रहा हूँ विवेक डोबराय, ना मुझे इस वक्तव्य की कोई जानकारी है, ना विवेक डोबराय जी भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य है, ना इसके कॉन्टेक्स्ट की जानकारी है। मैंने तो ये उदाहरण दिया, सुनिए, मैंने तो कहा संविधान बदल चुके हैं, मैं बताइए संविधान बदला था या नहीं, बोलिए। मैं बता देता हूँ, बोलिए ना, एक मिनट एक मिनट, पहले ये कह दें संविधान बदला था या नहीं, सारे ह्यूमन राइट समाप्त कर दिए थे नहीं, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बदल चुके हैं पे बोलिए ना, किसी ने कहा, कोई कह रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट को छोड़िए, जो हो चुका उस पे जवाब दीजिए। कोई नहीं है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसको कन्नी से काट क्यों रहा है, सुनिए ना, आप तो बदल चुके हैं ना। विवेक देबरॉय प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंटेड हैं, उन्होंने एक लेख लिखा कि भारत का संविधान बदल देना चाहिए।
आप उसका समर्थन करते हैं या उसकी खिलाफत करते हैं? चलिए, अगर खिलाफत करते हैं तो सख्त करिए उनको, बर्खास्त करिए। जवाब ले, एक मिनट, इन्होंने बहुत बोला, इन्होंने नेता जवाब तो लेने दीजिए। अरे एक मिनट, जवाब आप ही के सवाल का जवाब, मेरे साथ जवाब, आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं, बताइए। चलिए अब मैं बताता हूं, इन्होंने तो कहा विवेक दुबे राय का, आप सुनिए, आप ही के सवाल का जवाब। इनके नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने 370 के ऊपर सदन के पटल पर कहा कि भारत के संविधान के अनुसार भारत सरकार को अधिकारी नहीं है ये 370 चेंज करने का, चूंकि यूएन का मुद्दा है। बोलिए, आप सहमत है कि नहीं? ये तो आपके नेता प्रतिपक्ष का बयान है, जवाब दीजिए। पर उसका जवाब, फ्लोर हाउस पे जवाब है, उसका जवाब तो दे दीजिए। विवेक डोबराय ने जो कहा वो सही है या नहीं? क्या बात आप कर रहे हैं? सरकार का व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष संसद के पटल पर बोले, वो पार्टी का बयान है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें कोई बात बताइए। हां या ना, विवेक देबरॉय का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। विवेक देबरॉय का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं संविधान पर? रंजन चौधरी का जवाब दीजिए, वो आपके नेता विवेक देबरॉय हमारी पार्टी के नेता नहीं है, अपनी पार्टी के नेता का जवाब दीजिए। भागिए अधीर रंजन चौधरी जी की बहुत याद आ रही है ना आपको, तो आपकी बखिया उधेड़ती हूँ अभी। अधीर रंजन चौधरी पर्सनल का हो जाती है भाई। अरे आपकी बात ही क्या बात, जवाब दे रही हूँ। अधीर रंजन चौधरी, अरे पहले जवाब दीजिए, 370 पर उनका बयान सही था या नहीं? बोलिए हाँ या ना, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, बोल चुके। चलिए जवाब ले लेते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष हैं। अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा में बोल रहे थे, वो बंगाली है, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग बांग्ला भाषा जानते हैं। बांग्ला भाषा में नीरव का मतलब होता है जो व्यक्ति चुप रहता है, रणछोर जो चुप रहता है। अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला, मोदी जी नीरव मोदी बन गए हैं, धृतराष्ट्र बन गए हैं और लड़कियों के साथ वो हो रहा है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कैसे कर दिया आपने सदन से? आप सदन से निलंबित करते हैं विवेक देबरॉय को, आप संजय सिंह को खड़े हो जाते हैं, विवेक डेरेक ओब्रायन को, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप सदन में लोगों का निलंबन क्यों करते हैं? क्या सदन आपकी बपौती है? इस बात का जवाब दीजिए। निलंबित नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जी को आपने निलंबित किस बेसिस पर किया, क्यों किया? ये लोकतंत्र का हत्या नहीं है तो क्या है? इस बात का जवाब दे दीजिए। और एक मिनट, बरगलाइए मत इस जनता को। इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में लगी थी, इमरजेंसी आपकी तरह अघोषित इमरजेंसी नहीं थी, और हत्याएं नहीं हो रही थी ट्रेन में, पत्रकारों को डाला नहीं जा रहा था जेल में। अच्छा, क्योंकि उसने मुसहर की बात कर दी। ज्यादा हो गया, सुन लीजिए, आपका ज्यादा हो गया प्रभु। आज बोलने की ऐसी आजादी नहीं है कि एक व्यक्ति कहता है पढ़े लिखे को वोट दो, उसकी नौकरी चली जाती है। उत्तेजना कहीं और दिखाइएगा, ये उत्तेजना मणिपुर की नग्न लड़कियों को देखकर दिखानी चाहिए थी, शर्म आनी चाहिए। फैक्ट्स ठीक कर देता हूं मैं आपको, आप जब इमरजेंसी की जो बात कर रही हैं, उस समय पत्रकारों को जेल में डाला गया था। अरे मैं कह रही हूं, उस समय अखबारों की लाइट काटी गई थी। अगर आप वो फैक्ट्स गलत बोलेंगे तो मुझे, इसलिए मेरे नेता ने कहा है वो गलत था, ये कह सकते हैं 10 साल से ये गलती कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि विवेक देबरॉय ने गलत किया संविधान बदलने की बात कर, इनकी हैसियत है बोले मणिपुर पर। 78 दिन तक इस देश का प्रधानमंत्री चुप रहता है मणिपुर पर, आपकी शर्म से आंखें नहीं झुकती हैं? वो लड़कियां आपकी बेटी हो सकती थी, आपकी बहन हो सकती थी, उनकी योनियों को उनके स्तनों को आदमखोर की भीड़ छू रही थी, देखा है वो वीडियो आपने? बजाइए ताली इस बात पर। क्या बात करते हैं आप लोग, शर्म नहीं आती? आप महिला हैं, आपको शर्म नहीं आती कि एक और महिला के साथ क्या हुआ? आप ताली ठोकने की काम करते हैं। अब मैं जवाब दूं, अब शर्म आनी चाहिए। इन्होंने कहा था 267 पे, सुनिए, सदन की सारी कार्रवाई रोक कर मणिपुर पे चर्चा की जाए। जब सदन की सारी कार्रवाई रोकने की बात थी तो दिल्ली बिल पे क्यों तैयार हो गए? राजनीति ऊपर मणिपुर पीछे, यह हकीकत थी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री, जबकि 267 के तहत संबंधित मंत्री यानी गृह मंत्री जवाब दें। कोई बात नहीं, आप अविश्वास प्रस्ताव लाए। मैं कहता हूं जाके दर्शकों से चेक करिए कितना परसेंट बोला विपक्षी नेताओं ने मणिपुर पे, 5% भी नहीं बोला। इसका मतलब राजनीति थी, मणिपुर के प्रति संवेदना नहीं थी। और तीसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे बोलने के लिए आए तो भाग खड़े हुए, क्यों भाग खड़े हुए? जबकि नियम के अनुसार गौरव गोगोई ने यह प्रस्ताव रखा था, रूल ये कहता है कि जब फाइनल रिप्लाई मिल जाएगा प्राइम मिनिस्टर का, तो जिसने अविश्वास प्रस्ताव रखा है उसे एक बार रिबटल करने का मौका दिया जाएगा, वो मौका भी छोड़ दिया। और जहां तक महिलाओं की सम्मान की बात है तो याद करिए, इस देश में वो भी एक समय था जब कश्मीर में कहा गया था हिंदुओं अपने घरों को छोड़ के चले जाओ और अपनी महिलाओं को छोड़ के चले जाओ, तब उस समय कोई चू निकला था। और सुनिए, इतना ही नहीं, गिरजा टिक्कू के साथ रेप करके आरएसएस काट दिया गया था, और उन लोगों ने जो किया था उस यासीन मलिक को बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में आवभगत की गई, जिसकी बीवी इस समय जाके पाकिस्तान की कैबिनेट में शामिल हो गई है। इतना ही नहीं, इनके मुख्यमंत्री ने कहा केरल में
ओमन चांडी जी जिनकी डेथ हो गई कि 300 लड़कियों को किस ढंग से यौन शोषण करके उनको धर्म परिवर्तन किया गया उसका इन्होंने मजाक उड़ाया आके। अगर आपके दिल में ईमानदारी से है तो फिर चाहे कश्मीर हो या केरल, कोई भी जगह हो, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, या अभी देखिए डेरेक ओब्राइन को तो सस्पेंड नहीं किया गया। अरे वहां पे आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और आप डेरेक ओब्राइन का साथ दे रही हैं, इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि अपने कार्यकर्ताओं के जनाजों के ऊपर रख के भी राजनीति। सुधांशु जी, अब मैं सवाल का जवाब ले लेता हूं, लेकिन ये कहते हुए लेता हूं कि गृह मंत्री के भाषण के अलावा भाषा की बात कही। अधीर रंजन चौधरी जी बंगला भाषी और ऐसा बचाव लेते हैं कि वो राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक शब्द बोल गए थे राष्ट्रपत्नी, और कहा मैं हिंदी भाषी नहीं हूं। पहली बात तो मैं कहूं, भारत का कोई भी भाषा भाषी ऐसा नहीं है जिसको पति और पत्नी शब्द का मीनिंग ना पता हो। चलिए मान लिया उनसे गलती हो गई, मगर ये कितना हास्यास्पद है। अरे भाई, अधीर रंजन चौधरी जी तो बंगला भाषी है, सुनिए सोनिया गांधी जी तो इटालियन भाषी है, उनके मुंह से कभी ऐसी गलती नहीं निकली कि पति को पत्नी बोल दिया। मैं जवाब ले लूं, इसका मतलब ये ढकोसला है और केवल भाषा की आड़ में छुपने की। मैं आपका जवाब ले लूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मणिपुर पर आपके नेता भी जितना बोले वो भी 1-2% ही बोले, उससे ज्यादा नहीं। कारण मैं बता, लेकिन मुझे जवाब दे दीजिए, एक लाइन सुनिए मुझे एक बार जवाब। नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अविश्वास पद पर सरकार के खिलाफ सवाल पूछता है विपक्ष, सरकार का तो काम है जवाब देना, तो जो जो सवाल पूछे जाएंगे तो, सबका जवाब देंगे। तो इन्होंने कहा था सिर्फ मणिपुर पे बोलेंगे, सिर्फ मणिपुर पे बोलेंगे, सिर्फ मणिपुर पे। यही आपसे है कि आप मणिपुर के मुद्दे को उठा रहे हैं, आप लोगों ने बहुत जोर शोर से उठाया, संवेदनशील मुद्दा है, पर जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तभी आप लोग सबके सब बाहर चले गए। उस पर जवाब दूंगी, पाकिस्तान पर पहले बोलूंगी फिर जवाब दूंगी। बिना किसी को बताए, बिना कैबिनेट को इन्फॉर्म किए, बिन बुलाए मेहमान बनकर लाहौर बिरयानी खाने कौन गया था? इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गलभैया नवाज शरीफ से कौन कर रहा था? इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज तक आईएसआई को हमारी सरजमी पर पैर रखने की अनुमति नहीं थी, पठानकोट बुलाकर आईएसआई से किसने निरीक्षण कराया? नरेंद्र मोदी जी ने। आसिया अंद्राबी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन का इनका चेहरा था जम्मू कश्मीर में, फौज के खिलाफ बोलती थी, बाद में पता चला पाकिस्तान के साथ मिली हुई थी। सैफुल्ला, दुर्दांत आतंकवादी को टिकट देकर जम्मू कश्मीर में ये लड़ा रहे थे। आपने एक बात बोली, मैं उस पर बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि महिलाओं की बात है, लेकिन आज बोल देती हूं। जब गिरजा टिक्कू का कांड हुआ था तो केंद्र में किसकी सरकार थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, समर्थित आपके द्वारा थी। आप सत्ता पक्ष में बैठे थे और कश्मीर में चुन चुन के पंडितों को मारा जा रहा था। आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं और मणिपुर में चुन चुन के लोग मारे जा रहे हैं। आप सत्ता पक्ष में आज भी बैठे हैं और कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और शीला की चुन चुन के 26 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई। 9 महीने से कश्मीरी पंडित सड़कों पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपके पास मिलने के लिए वक्त नहीं, आप उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं, ये कर रहे हैं आप। आपने मणिपुर पर मुझसे सवाल पूछा, और भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा तो उसी दिन खत्म हो गई थी, ये दलील, जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री ने एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, एक वैधव्य झेलती हुई औरत को जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा कहा था। उस दिन भाषा की मर्यादा खत्म हो गई थी जब प्रधानमंत्री ने कहा था लड़कियों की चेहरे अचार के डब्बे पे लगा दो तो अचार बिकने लगता है। भाषा की मर्यादा, मेरा मुंह मत खुलवाइए, प्रधानमंत्री ने भंग की है। आपने मणिपुर पर बोला, ये फोटो है, ये फोटो उस दिन की है जिस दिन अडानी पर सारे संसद में हंगामा था और मोदी जी को जवाब देना था। 2 घंटा 40 मिनट दोनों सदनों में बोले थे, गला सूख गया था, पानी पी रहे थे, संसद के कैमरे में ये आ गया। मोदी जी 1 घंटा 38 मिनट इस बार सदन में बोल चुके थे, उनको पानी पीना था। सदन का जो टीवी, संसद टीवी, वो उनसे हटके स्पीकर पे चला गया, मोदी जी पानी पी ले क्योंकि सूखता गला नजर ना आए। मोदी जी 1 घंटा 38 मिनट इधर उधर की बातें करते रहे। मणिपुर पर इस सदन में भी मोदी जी ने 2 घंटा 13 मिनट में सिर्फ 2 मिनट बोला और फिर चले गए इधर उधर की बात करने। 1 मिनट राहुल गांधी जी 15 मिनट 42 सेकंड मणिपुर पर बोले, देखिएगा जाके सदन संसद टीवी को जिसमें राहुल गांधी जी की व्यूअरशिप ज्यादा है। संसद टीवी में 15 मिनट 42 सेकंड राहुल जी बोले, 11 मिनट 8 सेकंड संसद टीवी ने ओम बिरला का चेहरा दिखाया। क्यों दिखाया यह चेहरा? यह लोकतंत्र है, एक व्यक्ति बोल रहा है वो विपक्ष से है, आप उसको 71% टाइम स्पीकर को दिखाएंगे? ये आपने भी देखा होगा, पूछिए सवाल, क्या ऐसी मजबूरी थी? और मणिपुर पर हम इसलिए चले गए क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर ये संवेदनशीलता नहीं है
कि वो मणिपुर पर बोले। दो मिनट भी बोले तो सुन लेना चाहिए। और दो मैं कह रहा हूँ दो मिनट भी तो कम से कम रुक कर सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं दूसरा 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 बड़ा महत्वपूर्ण, आपके नेता भी जब खड़े हुए तो 15 मिनट तक वो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते रहे। शुरुआत में उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे, मणिपुर पर बहुत तथ्यों के साथ बात कर सकते थे। आज जो आप बता रही हैं वो बहुत बेहतर बता रही हैं, वो चीज राहुल गांधी बता सकते थे। बोले 71% टाइम ओम बिरला का चेहरा हमने क्यों देखा। राहुल गांधी से बेहतर भाषण तो गौरव गोगोई के पास में था। उन्होंने बहुत मानना है, मेरा मानना ये नहीं है। राहुल गांधी वहां गए, राहुल गांधी वहां के हर समुदाय से मिले, हर महिला से मिले। महिलाओं ने जो उनको स्टोरी बताई है वो रुदन ऐसा है कि आपके हाड़ कांप जाएंगे। 15 मिनट वो भारत जोड़ो यात्रा पर थे तो क्यों नहीं होंगे। भारत जोड़ो यात्रा की बात करना गलत है। मणिपुर पर जब आप बात कर रहे थे तो आप समझ नहीं पा रहे, आपकी दलील क्या है। मैं दलील नहीं समझ, मैं खुद समझना चाह रहा हूँ, देश समझना चाह रहा था कि बात मणिपुर पर हो रही थी और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा बता रहे थे कि मेरा अहंकार खत्म हो गया, बता रहे थे कि देखिए मेरे अंदर दूसरी तरीके का बदलाव आ गया। मणिपुर लोग सुनना चाह रहे थे। 15 मिनट 42 सेकंड सुनाया मणिपुर, महोदय ने 2 मिनट सुनाया। मणिपुर सुनना चाह रहे थे लोग चाह रहे थे इस देश का प्रधानमंत्री बोले 78 सेकंड बोला और सुनना चाह रहे थे लोग। प्रधानमंत्री 2 मिनट बोले। राहुल गांधी से भी सुनना चाहते थे, राहुल गांधी से भी सुनना चाहते थे। प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी जल्दी, राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, बनेंगे इंडिया के नेता। राहुल गांधी हैं बोलिए, बनेंगे तो बनेंगे ना। प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। देखिए जोश में दिल की आरजू लबों से निकली और खतरनाक गेंद देख के क्रीज में वापस खींच लिया अपने कदम। चलिए मैं जवाब ले लूं, लेकिन आपके प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलते थे। दो मिनट कहा भाई, आप बात करती हैं जाकर जवाब दे। इनका लंबा संभाषण हो गया। हमें जवाब ले, देश सुनना चाहता था मोदी जी को। मैं बताता हूं देश क्या सुनना चाहता था। ऐसे बोलिए, देश सुनना चाहता था। देश इनका कहना है कि देश सुनना चाहता था, कांग्रेस पार्टी सुनाना चाहती थी। जब अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर लिस्ट दी गई वक्ताओं की तो पहला नाम किसका था? राहुल गांधी जी का। देश सुनना चाहता था, आखिरी सुबेरे सुबेरे नाम वापस ले लिया राहुल गांधी जी का, गौरव गोगोई का आगे कर दिया। भाई क्यों वापस ले लिया? राहुल गांधी को इस लायक नहीं समझा कि मणिपुर पे बोले, या मणिपुर के संवेदनशील मुद्दे को इस लायक नहीं समझा कि आपका आपके युवराज उसके ऊपर बोले। और उससे दुखद बात क्या है कि जब यह संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सूची में तो कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का नाम पहले वक्ता के रूप में दिया था और गौरव गोगोई बोल रहे हैं, तो अधीर रंजन चौधरी जी क्या बोले? तो हमने गुगली मार दी। यानी हमने, इसका मतलब पूर्वोत्तर का एक सांसद आपके लिए राहुल गांधी को कवर फायर देने के लिए, उनके सब्स्टिट्यूट के लिए, उनकी स्टेपनी के लिए, यह आपके मन में संवेदनशीलता थी। और एक और बात कहना चाहता हूं, ये लोग जिस भी प्रकार की बातें करने का प्रयास करते हैं मणिपुर के ऊपर, प्रधानमंत्री संसद का सत्र शुरू होने से पहले बोले, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बोले, 30 सेकंड नहीं, अभी 15 अगस्त में ही बोल दिया, आप बोल रहे थे मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। अब मैं इनके दूसरे मुद्दे में बताता हूँ, ये बहुत कहते हैं अडानी अडानी।